घर में बेटियां जवान हैं कोई रिश्ता इसलिए नहीं पूछने आता कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है और बाप मजदूरी कर करके बमुश्किल घर का चूल्हा गर्म रखता है और बेटियां उनके सर में चांदी उतर रही है तो वो बाप कितना फंसा हुआ उसकी गर्दन कितनी जकड़ी हुई है और अगर किसी के पास रकम हो उसकी जरूरियात से ज्यादा और वो उसका रिश्तेदार भी लगता हो तो उसको सोचना चाहिए कि मैं इसकी मदद करूं या ना करूं? उसको कैलकुलेटर लेके हिसाब करना चाहिए कि ये मेरा भाई है ये मेरा भांजा है ये मेरा भतीजा है ये मेरे चचा का बेटा है ये मेरी फूफी का बेटा है ये फंसा है इसकी बेटियां जवान है कोई वसीला ही नहीं है बमुश्किल घर के अंदर खाना पूरा होता है और बेटियां घर की दहलीज में बूढ़ी हो रही हैं और इसके पास दौलत के अंबार हैं और ये सोचेगा अल्लाह फरमाता है यहां बगैर सोचने के छलांग लगानी पड़ेगी यहां नफा नुकसान नहीं देखना पड़ेगा यहां कसात बाजारी का नहीं सोचना पड़ेगा फलक तहमल मल आकबा ये बगैर सोचे समझे कूदा क्यों नहीं है ये मुश्किल घाटी चढ़ा क्यों नहीं है व मा अदरा का मल आकबा ये जानता है कि मुश्किल घाटी क्या है फकू रकबा किसी फंसे हुए की गर्दन को छुड़ाना है किसी मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करना है तो अब ये सोचेगा कि अभी तो मैंने फलाम प्लाट भी खरीदना है अभी ये भी करना है एक फैक्ट्री नहीं लगानी है मैंने मैंने तो उसके लिए रकम जमा कर क्या यह जरबे तक सीमे देगा कहा अगर इस्लाम का नूर सीने में उतरा हुआ है तो अपने भाई की मुसीबत को देख लेगा जब और वो जानता है ये वाकई फंसा हुआ है तो फिर इस घाटी में छलांग लगाते हुए वो दाएं बाएं नहीं देखेगा वो फौरन चढ़ दौड़ेगा और फौरन फैसला करेगा ताकि दुखी को मुसीबत से निकाल सके फ्कू रा किसी फंसे हुए की गर्दन को छुड़ाना है किसी मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करना है ओ फी यो मस या भूख के दिन खाना खिलाना है लॉकडाउन लग गया लोग तरस गए फाके आ गए घर में बहुत पड़ा हुआ है तो यह सोचा जाएगा कि मैंने तो तीन साल के लिए रखा है और ये बंदा रेडियां रगड़ के मर रहा है अगर मैं इसको दे दिया तो तीन साल के बाद तो मेरे पास कुछ नहीं होगा ये बात सोचने की नहीं थी कि तीन साल बाद मेरे पास क्या होगा कुरान का जो उसलूब है कुरान जो हमें जिंदगी से है वो ये है कि यहां सोचना नहीं तुम्हें अकल से सोच के काम लेना ये बहुत मरहले हैं कहीं अकल को पीछे करना पड़ता है इकबाल ने कहा था बेहतर है कि दिल के पास रहे चरागे अकल बेहतर है कि दिल के पास रहे चरागे अकल लेकिन कभी कभी से तनहा भी छोड़ दे कभी ऐसा भी मौका आता है कि फिर उसको पीछे करना पड़ता है ये अपना नफा नुकसान अपनी तकसी में तकसीमे नहीं करनी होती कि मैंने तो तीन साल का बजट रखा है और हम साया फाकों से मर रहे और बंदा के साल के मेरे तो पूरे हैं वो यूं जमा तकसीम करता रहे ये मुश्किल घाटी है तो कहा उसको ये मुश्किल घाटी चढ़ना होगा वमादरा कमालबा का जानते हो मुश्किल घाटी क्या है फकू र किसी फंसे हुए की गर्दन को छुड़ाना है ओता यो जी मस भूख के दिन किसी को खाना खिलाना है यतीमन जा मकरबा किसी करीबी यतीम की मदद करना है ओ मस्किन मतरबा या खाक नशीन मिसकिन की मदद करना है यहाँ जो लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किए ना यतीम जा मकरबा करीबी यतीम तो क्या इसका मफह यह निकलता है कि जो दूर का यतीम है उसकी मदद नहीं करनी नहीं बल्कि तफसीर ने यहाँ नुकता बयान किया कि बंदा दूर पार के यतीमों और गरीबों की मदद करता है और उनकी तस्वीरें भी खिंचवा लेता है दौरे मौजूद में और दाद भी ले लेता है और सखी बन के सामने आ जाता है लेकिन यतीम खानदान के अंदर हो तो उनकी मदद करके बंदा नुमाइश नहीं कर सकता कि मैंने अपने भतीजे भांजे के साथ ये किया है जो बंदा नफ्स का गुलाम बन जाता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ जो लफ्स बैन फरमाए यतीमन जा मकरबा करीबी यतीम की मदद करना ओ मस्किन मतरबा या खाक नशीन मस्किन की मदद करना कुछ लोग उन्हें पता है हमारी हमसायगी के अंदर इनके यहाँ नाना शबीना भी नहीं है तो वहाँ जो है वो महीने में पाँच सौ रुपया देंगे और पाँच सौ रुपया दे के ये समझेंगे कि हमने हक हाँ अदा कर दिया इनकी जरूरत को आपने पूरा करना था मुख्तलिफ लोगों को तो आप करोड़ों रुपए बांट रहे हो और आपकी फैक्ट्री में जो मुलाजमत कर रहे हैं आप उनमें कितनों को जानते हो कि मुश्किल से इस पंद्रह हजार रुपए से इसका घर चलता है और इसकी बहने जवान है और ये बेचारा ओवर टाइम भी लगाता है फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो तुम बाहर जो करोड़ों रुपए दे रहे हो तो बेहतर नहीं था कि अपने उस मजदूर की तुम मदद कर देते अल्लाह हम सब को सूरा अल बलत के मजामीन पर गौर वाम की तोहफी